रोटेशन होती रहती है, इसको कहते हैं वॉचडॉग सिस्टम ऑफ द पावर प्लांट या सेफ्टी डिवाइस ऑफ द पावर प्लांट। अब कुछ प्लांट में फीड टैंक नहीं है तो फिर क्या करेंगे कि ये कंडेंसर है, कंडेंसर में पानी हार्ट फील्ड में आता है, हाँ जी सर, और यहाँ से उठा के बॉयलर में फिर देते हैं। तो इधर उन्होंने क्या किया है कि दो स्टीम की लाइनें दे दी और उसमें वो जैसे बर्फ शॉप में पानी गिरता है, सुराख होते हैं, तो ये इसके पीछे स्टीम लाइन होती है, वाल लगा दिया, 320 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम का टेम्परेचर होता है, जो ऑक्सिलरी स्टीम का टेम्परेचर होता है, और 15 बार उसका प्रेशर होता है। वो स्टीम प्रेशर से जब इस पानी में निकलती है तो इसको कहते हैं स्पार्चिंग सिस्टम। ये डिग्रेडर के तौर पर स्पार्चिंग सिस्टम, तो स्टीम ऊपर उठेगी तो पानी में खलबली मचा के पानी को तोड़ के तो उससे जो गैसेस निकलेंगी वो वैक्यूम पंप वाली जो लाइन है वहाँ से खारिज होती है, वैक्यूम पंप निकाल के ये जो गैसेस बनेंगी वो यहाँ से वैक्यूम पंप ले लेगा, तो डिएरेशन ठीक है। अब फीड टैंक नहीं है तो जो पानी प्रेशर से कैसे डालेंगे, तो यहाँ से हॉट वेल से कंडेंसेट पंप, इसका प्रेशर होता है 10 बार, कंडेंसेट पंप प्रेशर उठा के एक एलपी हीटर दे देते हैं, वहाँ से पानी गर्म होके सीधा फीड पंप के सक्शन में आता है। फीड पंप को पॉजिटिव प्रेशर चाहिए, वो वाया फीड टैंक आप देते हो थर्मल वाले कंबाइन साइकिल वाले, कंडेंसेड पंप का डिस्चार्ज फीड पंप में डालते हैं, तो 10 बार से फीड पंप 160 से 190 बार इसका प्रेशर बनाता है। ये प्रेशराइज वाटर फिर आपके बॉयलर ड्रम में चला जाता है, तो फीड टैंक की वैल्यू खत्म हो गई, फीड टैंक के पैसे भी बच गए, डिग्रेडर के पैसे भी बच गए, डिग्रेडेशन भी हो गई, तो पानी के पैसे हर तरह से बच गए। तो उसने ये तरीका इसको, टेंपरेचर कितना होता है सर बीच में, कोई ये इधर इधर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिसाल के तौर पर, तो हीटर के बाद ये 84 हो जाता है। ड्रम में जाते तो इकोनोमाइजर से गुजार के देते हैं ना, ड्रम में तो इकोनोमाइजर का शर्त रखा है, ये इकोनोमाइजर फीड पंप से इकोनोमाइजर, तो इकोनोमाइजर से गुजार के 260 का कर देते हैं। इकोनोमाइजर की शर्त ये है कि कम से कम 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वरना वो पसीना आ जाएगा, पसीना आएगा तो एसिड बन जाएगा, इकोनोमाइजर ट्यूब्स गल जाएंगी। तो कल हमने जो सर्किट पढ़ा था उसमें ये 260 था ना, ये अब 260 इसलिए कि 45 बार इसका प्रेशर, अगर 135 होता तो ये 360 होता, क्योंकि प्रेशर कम है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो ये स्पार्जिंग सिस्टम इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ फीड वाटर टैंक या डिएरेशन, वो डिएरेशन सारी यहाँ से हो जाती है। मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया आपको, ये बहुत कम लोगों को पता है कि स्पार्चिंग, मैंने भी पहली दफा सुना था जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, डिएरेशन तो सुना था, स्पार्चिंग नहीं सुना। ओके ओके, थैंक यू।